तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो यार, हाल ही में एक नई अपडेट के बाद YouTube ने एक ऐसा फीचर जो कि पिछले कुछ टाइम तक जो बड़े क्रिएटर थे या जो बहुत ही बड़े यूट्यूबर थे जिनकी अच्छी खासी अर्निंग होती थी, केवल और केवल वो लोग ही इस फीचर का इस्तेमाल कर पाते थे, वो भी पैसे देकर। लेकिन अब YouTube ने फाइनली अपडेट के बाद इस फीचर को जो है वो सभी क्रिएटर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अवेलेबल करा दिया है। और जिन भी लोगों को अभी तक ये अपडेट नहीं मिला है, धीरे धीरे उनके YouTube चैनल पर ये अपडेट देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों, अभी के टाइम पर यदि आप अपनी YouTube वीडियो को अपलोड करते हो तो जिन जिन लोगों के YouTube चैनल पर ये फीचर अवेलेबल हो चुका है, उनकी जो वीडियो की डिटेल्स होती है यानी टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन जब वो ऐड कर रहे होते हैं तो उसी पेज में वहां पर उन्हें एक ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि टेस्ट एंड कंपेयर के नाम से होता है। अब यहाँ पर बेसिकली आपने देखा होगा कि पहले यहाँ पर आप एक ही थंबनेल को ऐड कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर YouTube जो है वो आपको मल्टीपल थंबनेल्स जो है वो यहाँ पर अपलोड करने के ऑप्शन देता है। सो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से बेसिकली इसी अपडेट के बारे में बात करने वाला हूँ कि आखिर ये जो अपडेट है ये किस तरह से काम करती है, आखिर क्यों जो क्रिएटर या फिर जो बड़े यूट्यूबर थे पैसे देकर भी इस फीचर को इस्तेमाल करते थे, और हम लोग जो है वो अब इसे फ्री में कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे, और इसके थ्रू किस तरह से पूरा हमारा जो YouTube चैनल है वो किस तरह से ग्रो होने वाला है, हमको इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो को लास्ट से जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये जो क्रिएटर हैं या यूट्यूबर हैं इस फीचर को पैसे देकर भी क्यों यूज करते थे, जो कि अभी फ्री में ही YouTube ने सभी को अवेलेबल करवा दिया है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा कारण तो यही है कि पहले हमारे YouTube चैनल पर डायरेक्टली कोई भी इस तरह का फीचर देखने को नहीं मिलता था, जहां पर हम अपने YouTube चैनल के जरिए ही जो अपने YouTube वीडियोस में जो है वो अलग अलग थंबनेल को ऐड करके जो है वो हम यहां पर ये पता लगा सके कि हमारे YouTube वीडियो पर कौन सा ऐसा थंबनेल है जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। तो यहां पर दोस्तों, पहले जो क्रिएटर्स होते थे या यूट्यूबर्स होते थे उन्हें काफी सारे जो थर्ड पार्टी ऐप्स होते हैं उनका प्रीमियम वर्जन खरीदना पड़ता था इस फीचर को यूज करने के लिए, और इसके बाद उन्हें अपनी यूट्यूब वीडियो में लगातार काफी सारे थंबनेल जो है वो बदल बदल के मैन्युअली खुद से देखना पड़ता था, और उसकी परफॉर्मेंस को चेक करके ये अपने आप में समझना पड़ता था कि कौन सी वीडियो का थंबनेल जो है वो हमारा कितना बढ़िया काम कर रहा है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि ये फीचर है क्या और हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसका नाम है टेस्ट एंड कंपेयर, तो बेसिकली इसका सिंपल फंडा यही है कि यहाँ पर आप अपनी एक सिंगल वीडियो में मल्टीपल थंबनेल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको तीन थंबनेल ऐड करने का ऑप्शन दिया गया है। अब इसकी मदद से दोस्तों बेसिकली होगा ये कि आप यदि अपनी किसी भी वीडियो को अपलोड करते हैं तो आपको ही पता है कि वीडियो अपलोड होने के बाद सबसे पहले केवल केवल जो हमारा थंबनेल है वो ही हमारे व्यूअर को दिखाई देता है। तो दोस्तों, कई बार जो है वो हमारे दिमाग में हमारी एक ही वीडियो को लेकर कई सारे तरह के थंबनेल के आइडियाज होते हैं, और हम सोच रहे होते हैं कि इस पर कौन सा थंबनेल ऐड करें, किस तरह का थंबनेल ऐड करें। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी एक ही वीडियो के लिए कई सारे थंबनेल बना भी लेते हैं, लेकिन हमें खुद से नहीं पता होता कि हमारी YouTube वीडियो के लिए सबसे बेस्ट थंबनेल कौन सा होगा। तो वही काम जो है वो हमारा ये फीचर करके देने वाला है। इसमें आपको सिंपली करना यही है कि टेस्ट एंड कंपेयर के फीचर में जाना है। इस ऑप्शन पे आने के बाद आपको सिंपली तीन थंबनेल को ऐड करना है, एक बाय डिफॉल्ट जो है आप उसे भी सिलेक्ट करके रख सकते हैं, या आप चाहें तो तीन नए थंबनेल जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से थंबनेल उसमें डाल सकते हैं। इन तीनों थंबनेल को ऐड करने के बाद आपको सिंपली अपनी यूट्यूब वीडियो को सेव कर देना है और उसे पब्लिश कर देना है। उसके बाद दोस्तों, इन वीडियोस पर जो भी थंबनेल्स आपने ऐड कर रखे हैं, YouTube बारी बारी से उन सभी थंबनेल्स को आपके जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, अलग अलग सब्सक्राइबर को वो सारे थंबनेल दिखाए जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों, जो थंबनेल आपकी वीडियो के लिए एकदम सही होगा, परफेक्ट होगा, और जिस थंबनेल की वजह से आपकी वीडियो पर आपकी जो जेन्युइन ऑडियंस है वो आ रही होगी, वो थंबनेल आपका जो है वो एक फाइनल विनर थंबनेल बन के सामने आएगा, और YouTube ऑटोमेटिकली उस थंबनेल को जो है वो खुद से सिलेक्ट भी कर देगा, और आप चाहें तो मैनुअली भी इसे चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों, जो थंबनेल का सिलेक्शन है वो यहाँ पर क्लिक थ्रू रेट के बेस पे बिल्कुल भी नहीं होगा। कि मान लीजिए आप अपनी वीडियो पे कोई एक ऐसा क्लिकेबल थंबनेल लगाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्लिक बेट वाला है, यानी वो थंबनेल ऐसा जरूर है कि लोग उस पर देख के आपकी वीडियो पे क्लिक तो करेंगे, लेकिन उसके बाद कोई भी आपकी वीडियो को ज़्यादा नहीं देखेगा या वीडियो में आपको उतना खासा एंगेजमेंट नहीं मिलेगा। तो इस आधार पर जो आपका थंबनेल है वो बिल्कुल भी विनर नहीं कहलाएगा। थंबनेल को विनर होने के लिए यहाँ पर जो आधार है या जो बेस है फिलहाल के लिए जो है वो वॉच टाइम को रखा गया है, यानी आपके थंबनेल को क्लिक करने के बाद जितने ज़्यादा समय के लिए लोग आपकी वीडियो को देखेंगे वही वाला थंबनेल जो है वो यहाँ पर विनर होगा। तो वॉच टाइम के बेस पे डिसाइड होगा कि कौन सा थंबनेल यहाँ पर विनर होगा, और उस थंबनेल को आप अपनी यूट्यूब वीडियो पर हमेशा के लिए खुद से लगा के रख सकते हैं, या यूट्यूब भी ऑटोमेटिकली जो आपका विनर थंबनेल होगा उसको यहाँ पर सेट करके रख देगा। दोस्तों, ये अपडेट कैसा लगा आपको हमें जरूर बताएं, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।